आज मुझे गाना याद आ रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हाँ, क्योंकि ये सच में हो चुका है। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदल के मेटा कर दिया है। हाय, मैं हूँ हर्ष और आप हैं Learnvern.com की यूट्यूब चैनल पे, के जहाँ पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज मिलेंगे, और उसी के साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स आपको यहीं से मिलेगी। और आज की रीसेंट अपडेट में ये है कि फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदल के मेटा कर दिया है। ये मेटा क्या चीज है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. Yeah. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मेटावर्स है क्या। मेटावर्स एक्चुअली एक 92 या 93 में एक नॉवेल आई थी, और उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जहाँ पे हर चीज डिजिटली अवेलेबल है और डिजिटली एग्जिस्ट करती है। जैसे कि स्पाइडरमैन एंड मल्टीवर्स है, उसी तरह ये मेटावर्स है। यहाँ पे हर चीज रियल वर्ल्ड में जो भी है वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और मार्क जुकरबर्ग भैया ये मेटावर्स एक्चुअल लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। इसके रेफरेंसेस आपको देखने हो तो मैट्रिक्स नाम की फिल्म है, उसके अंदर भी इसके रेफरेंसेस हैं, और अलग अलग तरह के से भी इस कॉन्सेप्ट को हॉलीवुड ने अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे वर्चुअल रियलिटी है, उसी तरह ऐसा माना जाता है कि मोबाइल इंटरनेट जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा, वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जहां पे हर चीज वर्चुअली एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि मैं यहां पे रियल लाइफ में आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं वर्चुअली भी अवेलेबल रहूंगा। वहां भी लोग एक दूसरे से वर्चुअली मिल पाएंगे, और मेटावर्स क्रिएट करने का एक ही नॉर्थ स्टार गोल है यही कि इससे लोग एक दूसरे के और पास आ सकें। और फेसबुक इस मेटावर्स को लेकर जाने वाला है कोई और ही अलग लेवल पर। लेकिन इसमें अभी फिलहाल तो ऐसा है कि तुरंत ही ये मेटावर्स क्रिएट नहीं होगा, इसके लिए काफी वक्त लगेगा, और मोबाइल इंटरनेट को भी पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से अपडेट होना पड़ेगा, उसी के बाद मेटावर्स आप सच में इस्तेमाल कर पाओगे। ये मेटावर्स में क्या होगा कि फेसबुक के अंडर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक खुद हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, उनका ऑक्यूलस नाम का जो वीआर है, ये सारी चीजें, मैसेंजर भी एक जगह पे एक साथ इस्तेमाल होगी। जैसे कि फेसबुक इस्तेमाल करना है तो आपको उसके साथ साथ बाकी के एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये सारी डिपेंडेंसी खुल जाएगी और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप एंटर करोगे। फेसबुक कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगने के बाद ये नए चेंजेस आए हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगले 10-15 सालों में कुछ और चीजें आने वाली है दुनिया में, और शायद ये भी हो सकता है कि अगले 17-18 सालों में मैं वही गाना वापस रिपीट करूं, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो ये थी कहानी कि क्यों फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा किया है, जो है मेटावर्स। अगर आपको भी अपने दिमाग में कोई सवाल हो या कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम भी उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको उसका जवाब दे सकें। और ये वीडियो जितने हो सके उन लोगों तक पहुंचाइए कि जिनके अंदर ये सवाल है कि फेसबुक का नाम क्यों मेटावर्स पे चेंज हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी जगह पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ आप लर्नवर्न के इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा पाते रहेंगे।